परम पूज्य महेंद्र बाबू का आज प्रागट्य दिन है और साथ ही हमारे पूज्य अक्षर स्वामी का जन्मदिन है। और पूज्य परछाई दीदी का भी आज जन्मदिन है। तो प्रार्थना करूंगा पूज्य अक्षर स्वामी से कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पर वे हमें अपने अनुभवों का लाभ दें, महात्म्य दर्शन करावें। सजान सोम महाराज की जय। ऐसे गुरु जी की आज्ञा है कि आज आधे घंटे तक बोलना है। अब घड़ी फास्ट चले तो अच्छा है।
गुरुजी ने एक बार बताया था कि ब्रह्म का लक्षण है कि अगर वो आपके आसपास है या आप उसके आसपास हो तो शांति और आनंद का अनुभव होता है। तो मेरे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम जब गुरुजी के पास होते हैं या ऐसे गुणातीत स्वरूपों के पास होते हैं तो आनंद और शांति दोनों का अनुभव होता है अपने को, सबको। तो ये बात हम ले सकते हैं कि प्रकट मिले हमें गुरुजी, काका जी की भेंट, तो इसका खूब खूब हम लाभ उठाएं, उनकी आज्ञा में रहें, उन वो जैसा कहते वैसे चलें। मैं कहूं कि अगर गुरुजी का जीवन अगर सबसे छोटे शब्दों में कहना हो तो काका जी, उनके लिए हर चीज़ काका जी। वो दिल्ली आए तो काका जी ने कहा, उनकी आज्ञा या करके वो दिल्ली आए, अपनी सब मान्यताएं हर चीज़ छोड़ के। और काका जी और सब यहाँ पर दिल्ली में जितने भी हरिभगत हैं, काका जी के आशीर्वाद से कि महामुक्त हैं, उनके लिए गुरु जी यहाँ पर अखंड विराजमान हैं और उनके ही उनकी चेतना की प्रगति के लिए, उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उनके सांसारिक प्रगति के लिए गुरु जी हर वो प्रयास करते हैं, ताकि वो हमें ना देख के वो काका जी को देख के वो प्रयास करते हैं कि वो काका जी को राजी कर रहे हैं। इस तरीके से वो अपना जीवन जीते हैं, उस तरीके से उन्होंने अपना जीवन रखा, हर चीज़ रात को अगर लेट भी है तो आनंद करा रहे हैं, वरना जनरली सब सोने की सोचते हैं और वो गुरुजी आनंद कराते हैं, खूब आनंद कराते हैं। कल भी बहुत आनंद कराया गुरुजी ने, बहुत लीला करी। एक गुरुजी जिस यंग एज में है इस समय, उस यंग एज में जनरली कोई आदमी थ्रो करेगा तो दो चार बार करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन कल गुरुजी ने इतना स्मृति दी सबको, जितने हम करीबन 50 जने के आसपास कल हम सब रात को थे गुरुजी के पास, 12:30-1 बजे की बात है, और गुरुजी ने सबको ऐसे अपने हाथों से चॉकलेट दे रहे थे सबको, एक एक को पकड़ के, मतलब जो जिसने जो पकड़ा बेसिकली, मतलब हर हम के हमारे लिए तो एक बहुत अच्छी स्मृति होगी, मेरे लिए तो कि वो सब इकट्ठे हुए हम लोग और गुरुजी ने बहुत आनंद कराया। चॉकलेट्स थी गुरुजी के हाथ में और इतनी कम से कम 60-70 चॉकलेट्स गुरुजी ने अपने हाथ से, एक मैं तो ये सोच रहा था कि गुरुजी के कहीं हाथ ना दर्द हो जाए, लेकिन वो एक स्मृति देने के लिए गुरुजी ने इतना प्रयास, मतलब एक एक हर किसी को एक भी स्मृति हो जाए तो उस हिसाब से बहुत प्रयास मतलब करते हैं गुरुजी। एक बार की बात है, बहुत 7-8 साल पहले की बात है, तो गुरुजी गुरु पूर्णिमा थी या ऐसा कुछ, तो किसी ने गुरुजी को कहा कि आप गुरुजी सबका पूजन मत करना, हम में से कोई कर देगा। तो गुरुजी ने कहा नहीं, पूजन तो मैं ही करूँगा, मतलब 200 से 400 जनों को, मतलब वो एक एक को पूजन गुरुजी ने, जैसे वो पूजन करते हैं वैसे गुरुजी भी उनको कर रहे थे। तो मतलब वो उन्होंने वो नहीं देखा कि मैं थक जाऊँगा, वो तो ये भक्ति समझ के कर रहे थे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम में को भी ऐसे लेनी चाहिए कि जब ऐसी कोई सेवा का मौका है तो हम अपने शारीरिक चीज़ों को ना देखें बल्कि एक भक्ति के रूप में करेंगे तो उसका अलग ही रिजल्ट आएगा। एक छोटी सी कहानी है कि एक लड़का होता है, आर्टिस्ट होता है, ड्राइंग बनाता है, तो वो जब भी अपने पिताजी को दिखाता है तो उसके पिताजी उसमें कोई गलती निकाल देते हैं, और फिर
वो कहता है कि इसको इसको इस तरीके से और अच्छा करो ऐसे करके। तो कई बार उसने दिखाया और उसकी पेंटिंग इतनी अच्छी होती थी फोटो मतलब जो काम करता था कि दूसरे लोग तो सोच ही नहीं उसमें से गलती नहीं निकाल पाते थे। तो एक बार उसने अपने पिताजी को बताया भी ना किसी और को दिखाया तो उसने कहा तो बहुत सुंदर है। तो उसने अपने पिताजी को कहा जाके कि आप तो हमेशा मेरी इसमें गलतियाँ निकालते रहते हो तो मेरे को तो सब कहते हैं कि बहुत अच्छी है। तो उसके पिताजी ने कहा कि आज से तेरी प्रगति रुक गई तू और अच्छा नहीं सीख पाएगा इससे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब तक हमें गुरुजी समझा रहे हैं डांट रहे हैं कुछ भी कह रहे हैं किसी भी तरीके से सूचन कर रहे हैं तब तक हमारी प्रगति बहुत बढ़िया हो रही है चलती जा रही है। और ये बहुत हमारे लिए तो ऐसा है कि जब तक गुरुजी कहते रहें जब तक हम सीखते रहेंगे। गुरुजी की अपने गुरु के प्रति ऐसी भक्ति है जो उन्होंने सोच लिया या उनको विचार आ गया कि हमें ऐसा करना है मतलब उनको ये विचार है इसलिए कि हमें काका जी को राजी करने के करना है तो फिर उसके लिए वो फिर हर चीज़ कर देते हैं ना दिन देखते ना रात जिसके पास जाना पड़े जिससे मिलना पड़े जब मिलना पड़े। मतलब अभी कहूँ तो इस उम्र में भी अभी एक रिसेंट जो लास्ट ट्रिप किया था हमने नागपुर का नागपुर तक गुरुजी सिर्फ एक काका जी पप्पा जी का एक शताब्दी का कॉइन निकालने के लिए मतलब हर चीज़ करी उन्होंने। यहाँ पर भी मेरे को उनके साथ जाने का मौका मिला दिल्ली में भी दो दो बार उनके पास गए मतलब उन्होंने वो प्रयास छोड़ा ही नहीं है अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं जब तक वो होगा नहीं और वो लगे रहेंगे तब तक। ऐसी भक्ति हमारी भी होनी चाहिए कि अगर वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे तो उसके लिए अथक प्रयास करें और प्रयास ना करके भजन का भी बल लें साथ में ताकि वो चीज़ बहुत आसानी से बढ़िया से हो जाए। जनरली जब हम सत्संग में बातें सुनते हैं तो हमें भी ऐसे विचार होते हैं कि हम भी ऐसा व्रत हैं हम स्वयं प्रयत्न करते हैं भगवान से भजन भी करते हैं कि हम भगवान आप ऐसा ऐसा बल दो। तो जैसे कि किसी से कोई अपेक्षा मत रखो कहना बहुत आसान है लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि अपेक्षा रहती है। अगर आपने उसको नहीं भी रखा चलो आपने सोच लिया कि आप अपेक्षा नहीं रखते किसी से तो फिर हमारी हम उस लेवल तक तो चलेंगे लेकिन उपेक्षा हो जाती है फिर कि अगर मान लो हमारी बात नहीं सुन रहा हमारी अपेक्षा के हिसाब से नहीं चल रहा तो उपेक्षा भी नहीं करनी वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे निर्दोष बुद्धि आप कह लो उसे रखने के लिए उसके बाद भी किसी से क्या उपेक्षा मतलब आप निर्दोष बुद्धि तो नहीं कह लो एक माइंड से सोच लोगे कि ऐसा कि ऐसा चलो कोई बात नहीं इसने नहीं किया लेकिन उससे फिर हमें उपेक्षा कर पड़ते तो वो ना करें महाराज का ही करता हरता रूप माने तो हमारा आसान हो जाएगा हर चीज़। अभी थोड़े टाइम पहले से किसी में से सूचना आया था कि अभिषेक भाई या फिर बात हो रही थी ऐसे कि गुरुजी की जो डेली रूटीन है या इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं या कोई चीज़ ऐसी गुरुजी ने कही है कोई आया है मिलने तो उसका हम नोट डाउन करें। तो जब से ये बात हुई थी तब से अभिषेक भाई है विश्वास भाई हैं वो निरंतर एक डायरी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इतने बिजी होने के बावजूद मतलब उनके पास सेवा बहुत होती है ऐसा लगता है अपने को कि वो गुरुजी के पास खड़े रहते हैं लेकिन बहुत सेवा होती है। उसके बावजूद कई बार रात को 1 बजे कभी 12:30 बजे कभी सुबह वो दोनों बैठ के लिख रहे होते हैं जैसे विश्वास है वो भी लिखता है अभिषेक भाई भी लिखते हैं मतलब वो अपना एक मतलब उनकी भक्ति आप देखो कि अगर ये सिर्फ
सूचन ही आया कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो मतलब उन्होंने अपना लगा ही दिया है। वो देखते नहीं है कि अरे आज रह गया तो रात को बैठ के, कभी 2 बजे भी रात को बैठ के ऐसे वो तो लिख ही रहे होते, तो उनको ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद है। अभिषेक भाई की एक और बात बताता हूँ कि अभिषेक भाई जैसे उन्हें वो गुरुजी के पास मतलब कोई चीज़ हो रही है और उन्हें पता चल जाए कि गुरुजी की मर्जी ये है कि गुरुजी ऐसा चाहते हैं, भले गुरुजी ने बोला ना हो, वो खुद तो वो करेगा ही करेगा कि जैसा गुरुजी चाहते हैं वैसा ही करूँ। उसके अलावा जो हम मंदिर में रहते हैं संत लोग सेवक, वो ये कोशिश ये भी करता है कि गुरुजी ने तो बोला नहीं है, पता नहीं चलेगा हमें, लेकिन वो ये कोशिश करेगा कि गुरुजी की मर्जी ये है तो आप लोग भी ऐसा करो। मतलब उसकी भावना ऐसी रहती है कि गुरुजी जैसा चाहते हैं वो कॉन्टिन्यूस वैसा ही होता रहे। दो तीन साल पहले एक बार हम ऐसे बैठे थे गुरुजी के साथ, तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी हम में भी ऐसी, मैं तो अपने शब्दों में कहूँगा, ऐसी कला है कि हम भी इसे बातें कर सकें, सभा में माइक पे ऐसे बातें कर सकें, ऐसी कला हम में भी आए। तो गुरुजी ने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है, अगर वर्तन में होगा तो बात नहीं करोगे तो भी वो दिखेगा। तो ऐसे तो मंदिर में बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसे किसका नाम लो और किसका नहीं, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल कह लो आइडियल के हिसाब से अभिषेक भाई मेरे को लगता है कि वो बोलते नहीं हैं, उनका एक्शन बोलता है। अभी थोड़े दिनों पहले वचनामृत की कथा चल रही थी, तो उसमें मेरे को इतना तो अच्छी तरह याद नहीं है कि जो गुण हम में हैं उसकी वजह से हम दूसरों का अवगुण ले लेते हैं। तो ये बात जब मैंने सुनी तो एक स्मृति हो गई अंदर की, कि जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते कि मैं सुबह अगर थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ और जल्दी तैयार हो जाता हूँ और बाकी लोग मंदिर में थोड़ा लेट तैयार होते या फिर वो लेट सोए हैं, लेट तक सो रहे हैं, तो ऐसा आता है कि भाई उठ, उठता क्यों नहीं है तू। अपने को हमको ये नहीं पता होता कि वो रात को किस वजह से जगा है या फिर कोई कारण है। जैसे कि एक मंदिर में मुकुल आता है, वो पूरे दिन अपने काम में चांदनी चौक में भागा दौड़ी करता है, रात को 1-1.5 बजे तक कोई मच्छर गुरुजी को ना काटे इसलिए रैकेट लेके मारता है, मतलब रैकेट चलाता है, और फिर वो सुबह थोड़ा लेट उठता है। लेकिन मैं तो उसको थोड़ा टाइट करके भी उठा देता था कि भाई उठ जा। तो जब बाद में मुझे खुद को एहसास, जब ऐसी बात है कि कोई गुण की वजह से दूसरों में अवगुण आ जाता है, तो वो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये तो गलती हो रही है मेरी। फिर एक दूसरी बात भी आई दिमाग में कि हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि मंदिर में सिस्टम मेंटेन करें, तो यही बात फिर गुरुजी ने भी सभा में करी कि अपने को उसके लिए अगर उस लेवल पे आप हो कि आप ये सोच के ये भावना भक्ति भाव से कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना तो ये अभाव अवगुण के काम हो जाएगा। अगर आप उस लेवल पे नहीं हो क्योंकि आप सोचो कि मैं ऐसे करवाऊँ ऐसे कराऊँ, वो गलत हो जाता है। तो ये गुण की वजह से अभाव हम दूसरों का ना लें, ये भी एक अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि हम अपने साथ बैठे हैं या किसी के साथ भी बैठे हैं और कोई प्रसंग बन गया है, क्योंकि जब प्रसंग बनता है जिसके साथ, वो पॉजिटिव बात नहीं करता, वो नेगेटिव बात करेगा, और हमें भी पता हो कि शायद ये उसके साथ गलत हुआ है, तो भी हमें एक एज ए मंदिर के होते हैं या साधक होते हुए कभी भी उसका जो है वो पॉजिटिव ही ले जाना चाहिए। मतलब उसको गुरु से जोड़ने के लिए, सबको साथ जोड़ने के लिए ही बात करनी चाहिए, क्योंकि जब अभाव आता है तो वो कटने की बात करेगा या तो किसी का विरोधाभास करेगा, विरोध करेगा। इंस्टेंट ऑफ दैट कि हम
उसे ये अपने साथी को सब ये समझाएं कि नहीं भाई, जो भी हो रहा है महाराज कर रहे हैं, और इसमें महाराज का कर्ता, जब तक कर्ता माना है तब तो ठीक है, जब भर्ता आता है तो नहीं माना जाता। तो वो हम सबकी ऐसी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी प्रसंग पे अपने साथी का साथ तो देना है, लेकिन पॉजिटिव वे में, अपने गुरु से जोड़ें, पॉजिटिव ले जाएं उसे। हम सेवा भी करते हैं, तो अगर महात्म्य के साथ सेवा नहीं करी तो उसका फल नहीं है। महात्म्य क्या कि मुझे ऐसा मौका मिला है, और जिसको जो नहीं कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये सोचना है कि मुझे ऐसा मौका मिला है। तो जैसे कि अनुष्ठान शिविर की ये जो एक महीना होता है, तो पता नहीं क्या है, जो भी है, मेरे मन में ऐसा रहता है कि बस ये एक महीना जो है ना, 7 बजे अपनी सभा शुरू होगी, तो उससे पहले की सारी तैयारियाँ होनी चाहिए, और एक बहुत उमंग सी रहती है मेरी हिस्से के लिए अनुष्ठान शिविर के लिए। मतलब रात अभी 5:30 बजे के बाद से फिर ऊपर हॉल में एसी चल गया, मतलब बाकी सब सेवा करते ही हैं, ऐसा नहीं, कैमरे लग गए, सब कुछ चालू हो गया, ऑडियो सब सेट हो गया। उसके बाद फिर रात को वही सभा की एडिटिंग शिवम करते हैं और फिर अपलोड करते हैं रात ही रात उसे। तो एक उमंग सी, ऐसा फील ही नहीं आता कि कल कर लेंगे, छोड़ देना आज कोई बात नहीं और कोई कर लेगा। तो ये गुरु जी ने ऐसी अनुष्ठान शिविर की जो है ना, वो अंदर ऐसे भर दिया है कि अंदर की नहीं, तो इसका महात्म्य ऐसा भर दिया है कि सेवा अपने आप हो रही है इसमें, इनोवेटिव तरीके से सेवा करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, उसको किस तरीके से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएँ, मतलब ये सेवा की भक्ति की एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए। तो ऐसी सेवा की अंदर बढ़ोतरी और होती रहे, ये सिर्फ अनुष्ठान शिविर ना रह के आगे भी दिन प्रतिदिन ऐसी ही भावना रहे सेवा करने की। अब हम सब जो दिल्ली के सत्संगी कहे जाते हैं, या फिर हम मंदिर के जो सेवक हैं, हम सब की एक जिम्मेदारी है। अब हम जो हैं वो गुरु जी की पहचान है, तो हमारा वाणी और वर्तन ऐसा होना चाहिए कि वो गुरु जी की शोभा बढ़ाए ना कि घटाए, चाहे घर हो, मंदिर हो या बाहर हो। क्योंकि अब हमको कोई हमसे नहीं जानता, सब कोई गुरु जी से जानते हैं। तो एक सब हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी वाणी और वर्तन से हम गुरु जी की शोभा बढ़ाएं। एक अपनी पर्सनल बात करता हूँ कि पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती थी जिसमें निर्दोष बुद्धि तो बहुत बात की बात है, एक जनरल सेंस के हिसाब से मैं काम करता था कि भाई ये करो, ऐसे करो, इस तरीके से करो, तो फिर किसी का अभाव भी आएगा, किसी पे गुस्सा भी कर रहे हैं, मतलब ऐसे। लेकिन फिर बाद में जब बातें गुरु जी की सुनी, तो फिर निर्दोष बुद्धि की बात आई कि निर्दोष बुद्धि रखनी चाहिए। निर्दोष बुद्धि किसी तरीके से अभी भी वो पहुँचा नहीं हूँ, कह नहीं सकता मैं, क्योंकि फिर उसमें हम क्या करते हैं कि उस बात को, जैसे गुरु जी बोलते हैं कि सब में महाराज कर रहे हैं, हर किसी को महाराज ही वर्ता रहे हैं, तो हम सोचेंगे चलो ठीक है, इस तरफ ये चीज़ हो रही है, उधर देखो ही मत, देखोगे नहीं तो दिमाग में ही नहीं जाएगी, फिर उसके प्रति भाव ही नहीं आएगा। वो निर्दोष बुद्धि नहीं हुई उसके ऊपर, तो गुरु जी ये चाहते कि हम उसमें दिव्य भाव रखें कि वो जो कर रहा है वो नहीं कर रहा है, उसके अंदर रहते महाराज कर रहे हैं। तो ऐसी अगले अनुष्ठान शिविर से पहले पहले ऐसी मेरी देखने की समझने की सोच हो जाए, यही आपके सामने प्रश्न।
गुरुजी ने ऐसा कहा कि इसके आगे जो कर रहा है वो सत्य है, वो आगे करना है, वही सही है। सजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य अनुकाका से प्रार्थना, आज की सभा में अपने अनुभव दर्शन से महात्म्य दर्शन कराएं। सजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी, संत मंडल और गुणातीत समाज का हमारा हार्दिक जय स्वामीनाथ। मेरा वतन भावनगर का है और मैं 50 साल से दिल्ली में हूँ। जब मैं भावनगर से दिल्ली आया तो मेरे पास दो ऑप्शन था कि दिल्ली जाना है या बेंगलोर जाना है। दोनों जगह के फैक्ट्री में जाना था, फैक्ट्री हैंडल करना। तो मेरे को गुरुजी का संयोग होने वाला था तो मैंने बेंगलोर मना कर दिया और दिल्ली आने के बाद 20 साल तक सहयोग नहीं हुआ। जब मैं अपार्टमेंट में रहने आया 86 में, तो 87 में जानी साहब गुरुजी के लेके मेरे घर पे आया 14 जनवरी को। तब से मेरा गुरुजी के साथ संबंध हो गया, नहीं तो मैं बेंगलोर में कहाँ घूमता रहता हूँ, समझ मिलता नहीं, ये हरिभक्त मिलते नहीं, संत मिलते नहीं, कोई नहीं मिलते। तो गुरुजी की कृपा हुई तो मेरा मन में ऐसा हुआ कि दिल्ली जाऊं। तो आज मेरे को खूब खूब अंदर से धन्यवाद हो रहा है कि मेरे को ये स्वामी नारायण सत्संग मिला, क्योंकि मैं 20 साल तो भावनगर में शंकर की आराधना करी थी और 20 साल दिल्ली में करी, 40 साल शंकर की आराधना करी। स्वामीनारायण भगवान में मैं आ गया, सत्संग में आ गया। फिर गुरुजी को एक बार पूछा मैंने कि भाई 40 साल तक मैंने शंकर की आराधना करी है और मैं अभी स्वामीनारायण में आ गया तो शंकर जी गुस्से तो नहीं हो जाएगा मेरे पर? तब गुरुजी ने बोला कि तुमने जो 40 साल किया है ना, इसका फल स्वरूप में आपको मिला। तो जब मैं महाराज का चरित्र पढ़ता था, इसमें पुष्टि मिल गई गुरुजी की कि अपने जो माँ पूजा चलती है इसमें पूजा डोडिया का नाम आता है, पूजा भगत लास्ट में, प्रताप भाई देवजी भगत पूजा भगत। वो भगवान ढूंढने गया था, वो भगवान नहीं मिला तो वो सुसाइड करने गया। वो मेरा गांव के पास ही है 10 किलोमीटर, तो समुद्र में चला गया और वहाँ एक शंकर का मंदिर था, इसको बात भेड़ दिया कि अब मेरे को मर जाना, भगवान मिले नहीं। तो शंकर भगवान ने इसको आकाशवाणी से बोला कि तू गढ़पुर जा, वहाँ भगवान विराजमान। तो जैसे गुरुजी ने बोला कि तुमने शंकर की आराधना करी तो मिल गया। तो हम सब तो इतने भाग्यशाली हैं, पूरा दिल्ली गुणातीत समाज, कि इसके कोई सीमा ही नहीं है। हमको 4-4 बोनस मिला हुआ है, बाकी सबको 1-2 बोनस मिला होगा, तो हमारे लिए इतनी कृपा महाराज ने करी है कि 4 बोनस मिला है। आप पूछोगे भाई 4 बोनस क्या है? तो सबसे पहले महाराज के साथ आनंद स्वामी रहते थे कई साल तक, और महाराज ने पहले मंदिर अहमदाबाद का बनाया, काड़ूपुर में नरनारायण की प्रतिष्ठा करी, वहाँ आनंद स्वामी को महंत के रूप में रखा। वो आनंद स्वामी आज यहाँ विराजमान है। सेकंड बोनस, जब गुणाचरण स्वामी की बातें हम सुनते हैं तो पहले शुरुआत में आता है कि भाई स्वामी बात कर रहे और हम ध्यान से सुन रहे। आज वचनामृत गुणाचरण स्वामी सुना रहे और हम सब सुन रहे। तीसरा बोनस, पप्पा जी ने प्रवचन में बोला था कि 100% काका जी गुरु जी में काम, तो काका जी के रूप में भी राज।
और चौथा मुकुंद स्वामी के विराज। तो हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि और किसी को इतना मिला नहीं होगा इतना हमको मिला। और काका जी को साक्षात्कार हुआ तब काका जी की उम्र 34 साल की थी। 1918 में जन्म हुआ था और 52 में साक्षात्कार हुआ। तो 34 साल की उम्र में काका जी को साक्षात्कार हुआ। 34 प्लस 34 माने 68। तो 68 उम्र की मैं समझ काका जी धाम में गए। 68 को उल्टा दो तो 86 हो गया। तो उस टाइम 86 की साल थी। जब प्रकट ब्रह्मस्वरूप शास्त्री महाराज धाम में गए 1951 तो योगी बापा ने 20 साल तक 71 में गया योगी बापा तो 20 साल BAPS संस्था चलाए। हमारा काका जी ने 66 से 86 पूरा 20 साल तक गुणातीत समाज का जन्म किया। तो हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमारे जैसा कोई नहीं है ऐसे हम तो समझते। अब मेरा संबंध गुरु जी के साथ इतना जुड़ गया है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरी वाइफ को मासी की पदवी दिया गुरुजी ने। सब लोग मासी कहते थे। फिर विजय का जन्म 61 में हुआ तो गुरुजी ने भागवती दीक्षा 61 में ली। इसके बाद परेश का जन्म 66 में हुआ तो हम संस्था से अलग हुए। आस्था का जन्म 13 मार्च को गुरुजी का जन्म 13 मार्च निश्चय का जन्म 1992 माने योगी बापा को 100 साल हुए और योगी बापा का भूमिका इसने वहाँ अर्ची मार्ग में बनाई। याज्ञा का संबंध अलौकिक है आपको सबको पता है मेरे को कहने की जगह। अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ ये तो टेलर था मेन बात तो वही कहनी है कि जो महाराज की क्रिया और गुरुजी की क्रिया में बहुत समान होती है। एक बार महाराज दादा खाजर का दरबार में बैठे थे और सुबह संतों की सभा पूरी होने के बाद महाराज ने बोला कि एक भागवत पुस्तक हाथ से लिखा हुआ भावनगर में किसी के पास है वो पुस्तक हमने लाना है। तो दो संतों और एक गरीब भक्त भावनगर जाए गढ़पुर से और वहाँ अपना हरिभगत है प्रागजी दवे महाराज इनको बुला देते पुराण की कथा करने के शिविर करने के लिए। उनका घर जाके इनको लेके वो कथा काट के घर जाके पैसा दे के पर लेके आवे। तो वो तीनों गए भावनगर में वहाँ रात रुके सुबह उनके घर गए क्योंकि वो भी पुराने था वो भी पुराने दोनों जानते थे कथाकार था वो भागवत सप्ताह करता था। तो वो सुबह सुबह गए वहाँ तो वो अपने पूजा रूम में बैठा था कथाकार। वो तो स्वामीनारायण का संत को देख के वो गुस्से हो गया बहुत क्योंकि वो एलर्जी थी इनको। फिर इसने बताया कि हमारा भगवान गढ़पुर में विराजमान है आपके पास पुस्तक है वो इनको चाहिए मंदिर में आप जो जो पैसा लेना हो तो पैसा ले लो मगर पुस्तक हमारा भगवान को दे। तो कहता नहीं मैं बिल्कुल नहीं दूंगा ये तो मेरा जीवन निर्वाह है इसके ऊपर तो मेरा घर चल रहा है मैं देने वाला नहीं हूँ। तो बहुत जिद हुई नहीं दिया तो प्रागजी दवे कहता है कि भाई चलो वापस अब इसमें काम होने वाला नहीं। तो महाराज के पास वापस आ गया महाराज को बताया महाराज कहते नहीं पुस्तक को हमने लाना ही है कैसे भी कर। तो गोपालन स्वामी को बुलाया
स्वामी आ गया तो महाराज कहा कि गोपाल स्वामी को कहते हैं कि आप जाओ, आपसे काम जरूर होगा। तो फिर गोपाल स्वामी संत को लेके हरिभगत को लेके गए और फिर ऐसे करके दूसरे दिन कथा करके वहाँ गए। वो तो अपने पूजा रूम में बैठा था, तो फिर दोबारा क्यों आए आप लोग, एक बार मना कर दिया। फिर भी वहाँ गोपाल स्वामी पूजा में बैठ गए, वहाँ लाल जी था, वो लाल जी के साथ आँख मिलाई गोपाल स्वामी, तो लाल जी बिल्कुल अबाउट टर्न हो गया। वो तो देखता ही रह गया कथाकार। फिर दोबारा आँख मिलाई तो दूसरी तरफ से घूम गया, उसने सीधा कर दिया था पहले बार, तो फिर दोबारा हो गया। तब वो कथाकार समझ गया कि ये कोई महान पुरुष है और मैं नहीं दूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाए। तब वो पुस्तक लेके महाराज के पास दिया और महाराज ने इतना खुश हो गया गोपाल स्वामी के ऊपर। तो गुरुजी ने ऐसे ही किया, गुरुजी जब बॉम्बे था तब इनको पता था कि गोपाल स्वामी का प्रसादी का लाल जी वो बॉम्बे में जसवंत लाल करके कोई भाई के घर है। अच्छा, तो क्या होगा, हाँ तो बॉम्बे में तपास कर रहा है गुरु जी ने, तो कहता है कि वो तो वहाँ से शिफ्ट हो गए है भावनगर में, बॉम्बे छोड़ दिया है। योगी पापा इनके दर्शन करने गए थे, स्कूल में गए थे पापा। अच्छा, तो कहते हैं वो तो छोड़ गया। तो गुरुजी ने विजय को बुलाया, क्योंकि हम भावनगर के हैं, विजय को बोला कि तुम कैसे भी तपास करके देखो कि बॉम्बे से कौन आया हुआ है, जसवंत लाल करके कहाँ रहता है, इनको पूछो कि हमारा गुरुजी ऐसे मुकुंद स्वामी है, लाल जी चाहिए, आप दोगे कि नहीं, और आप दोगे तो खुद लेने आऊँगा, ऐसे गुरुजी बोला। तो उसने वहाँ तपास कर लिया, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हर पीछे आता है, मंदिर में आया था, तपास करके बोल दिया विजय को कि भाई मैं सब पूछ के आया हूँ, और वो राजी हो गया है लाल जी देने। तो हम गए थे स्वामी जी की जयंती में बड़ौदा गुरु जी के साथ, मैं भी गया था, विजय था, सब हरिभक्त थे। तो हम रात को सत्संग पूरा हुआ समय यहाँ और सुबह निकल गए 5 बजे भावनगर जाने के, और मेरे जीजाजी के घर जाके फिर उनके घर गए। वो तो इतना खुश हो गया, तब गुरुजी को संस्कृत पढ़ाता था या संगीत सिखाता था पता नहीं, और गुरुजी का वो इसने हारमोनियम लेके उस टाइम का गाना गाया, और इनका मिसिज था वो तो बहुत गुरुजी को जानते थे, जब गुरुजी जाते तो इनके लिए एक नाश्ता बनाते थे बॉम्बे में। तो हम गए इनके पूजा के रूम में, लाल जी बैठे थे, वो भी बैठे थे जसवंत लाल, हम सब बैठे वहाँ। तो उसने बोला कि आप सब बाहर जाओ, मैं गुरुजी और लाल जी तीनों एक कमरे में बैठेंगे, आप बाहर बैठो। तो 15-20 मिनट क्या बात हुई, लाल जी से बात हुई क्या वो कोई पता नहीं, इसने 15 मिनट के बाद गुरुजी को दे दिया। तो गुरुजी फिर बड़ौदा आए और बड़ौदे से दिल्ली आया, और दीदी को बुलाया और दीदी को दे दिया कि आपने इसका अक्षर ज्योति में लाल जी रखना। ऐसे ही महाराज ने पास एक लाल जी था, वो जीवूबा को बोला के दे दिया था, जैसे गुरुजी ने दीदी को दिया तो महाराज ने लाल जी जीवूबा को दिया था कि तुमने ये करना। और ये लाल जी इतना चमत्कारिक था कि इसका दूध का कटोरा भर के रखा तो पी गया। तो मेरे को तो ऐसे कह रहा हूँ कि महाराज जी जो जो क्रिया बनता है मैं गुरु जी का समन्वय में आता है। बस अंत में यही बात करनी है, और गुरु जी और दीदी के स्वास्थ्य ठीक रहे, हम सब प्रार्थना करते हैं गुणातीत स्वरूपों के चरणों में कि हमको ऐसी भक्ति मिले और हमारा फैमिली को सत्संग और बढ़ता जाए ऐसा। जय सम योगी बाबा इनके दर्शन करने
स्कूल में गए थे दर्शन करने। अभी ये मैत्री स्वामी ने अक्षर स्वामी को बर्थडे निमित्त गिफ्ट कार्ड हैंडमेड बनाई है। अच्छा हाँ, तो वो इनको अर्पण करे कार्ड। कार्ड आप पढ़ लो, हर एक को दिखा दो। पहले सब दिखा दो, सबको पढ़ेंगे वो। हाँ दे दो, पहले दे दो। अक्षर स्वामी जी को परम पूज्य गुरु जी ने जो आशीर्वाद आज दिए हैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ। स्वामी श्री जी, प्रिय अक्षर स्वरूप स्वामी, साथी सेवकों को सच्चे सगे मानकर उन्हें प्रायोरिटी देकर प्रगट स्वरूप के संबंध से हम सब एक के सिद्धांत से इन सभी के साथ मिलजुल कर रहना और एक दूजे के काम में पूरक बनना। काका जी मेरे साथ हमेशा हैं और मुझे देख रहे हैं, यह भूलना नहीं। तेरे जन्मदिन पर इसी अपेक्षा के साथ तेरे ही गुरु जी के जय स्वामीनारायण। 19 मई 2019 रविवार। इसी प्रकार पूज्य परछाई दीदी का भी आज जन्मदिन है और उनको जन्मदिन की भेंट देने के लिए जो वहाँ पे गुरुजी जिनको प्यार से कटोरिया बोलते हैं, कटोरियों ने एक गिफ्ट बनाई है उनको देने के लिए, जो वो अब उनको अर्पण करेंगे।
बच्चों ने परछाई दीदी को एक कार्ड भी बना के दिया है, जो उसमें उसने भावना प्रकट की है वो आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। डियर बेन, यू आर सो स्पेशल फॉर मी, यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी टू टीच एंड गाइड। यू टोल्ड मी हाउ टू मेक केक विच ऑलवेज रिमेंबर मी योर अफेक्शन। यू आर माई गाइडिंग प्रिंसिपल एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, एज यू आर द मोस्ट लविंग एंड केयरिंग सिस्टर इन दिस एंटायर वर्ल्ड। आई लव यू बेन। बाय योर लविंग ब्रो नक्षत्र शाह। आज के अनुष्ठान शिविर का यहाँ हम समापन करेंगे। जो पूज्य परछाई दीदी, पूज्य अक्षर स्वामी और पूज्य अनुकाका के नाम है।